आई थिंक फिल्म फेयर एक ऐसी जगह है जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, और जो भी आई थिंक इस इंडस्ट्री में है उन सबका एक सपना है कि फिल्म वो फिल्म फेयर ज़रूर अटेंड करें। सो मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ, एंड दिस माई थर्ड टाइम व्हेन आई एम कमिंग फॉर दिस स्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल दैट यू नो आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड आई कैन बी पार्ट ऑफ फिल्म फेयर। आई थिंक स्टाइल स्टेटमेंट आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो आप पहनो वो आप कॉन्फिडेंटली पहनो। मेरा स्टाइल स्टेटमेंट वही है कि मैं जो पहनती हूँ वो कॉन्फिडेंटली पहनती हूँ। आई थिंक मैं ये जो आउटफिट है वो रुद्राक्ष का है, और आई थिंक मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दिस कलर रियली मुझे बहुत, मैंने ये कलर पहना नहीं था तो आई थॉट ऑफ वेयरिंग दिस, दैट्स इट। बागी 3 अब बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली है, अभी शूटिंग चल रही है हम लोगों की, काफ़ी शूटिंग हो रही है और सर्बिया में शूटिंग हो रही है। सो होपफुली आप लोगों को बहुत जल्दी बागी में मैं दिखूंगी और आप लोगों को डेफिनेटली मज़ा आएगा। आई थिंक टाइगर, श्रद्धा, रितेश, थ्री ऑफ देम वो अमेजिंग, और सबसे ज़्यादा जो अच्छे थे वो थे अहमद सर, मुझे उनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए कोई लॉ नहीं होना चाहिए, जिन्होंने जो किया है इनको पूरी तरीके से पब्लिक में छोड़ दिया जाए, फिर अपने आप उसका डिसीजन होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, बहुत लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ है और हम सब एक होकर इस चीज़ पर फैसला लें और इन्हें सज़ा दें, क्योंकि आगे ये ना हो और हमारी सबकी कहीं ना कहीं हमारी बेटी होगी, शायद मेरी बेटी होगी फ्यूचर में। मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए हर किसी को, और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, इसके लिए हमें एक बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। दैट्स इट।